एक मशहूर हलवाई की दुकान से ताबड़ तोड़ गोलियां चलिया ने ते नाल ही पर्ची सुट के फिरौती की मांग की गई है। दरअसल इस हलवाई की दुकान के सामने आके एक काले रंग की स्कॉर्पियो खड़ी हो जाती है, जिसनु हलवाई की दुकान च खड़ा शख्स भी देख रहा हुंदा है। दुकानदार नु लगता है कि शायद कोई गाहक होएगा। स्कॉर्पियो पहला तो सामने खड़ी हुंदी है, फिर अगे चली जाती है अते मुड़ तो बैक करके गोलियां चलानियां शुरू कर दित्तियां जांदियां ने। गनीमत रही कि इस विच किसी दा जानी नुकसान नहीं होया। गोलियां चलाने तो बाद इन हमलावरां दे वल्लों दुकान दे अंदर एक पर्ची सुट्टी जांदी है, जिस दे विच लिखा गया हुंदा है कि 1 करोड़ दा इंतजाम करके रखो। इस पर्ची दे विच नाल ही लिखा हुंदा है कि ओ भाऊ गैंग दे नाल जुड़े हुए ने ते अमन बैंसवाल ग्रुप दे मैंबर ने। यह मामला रोहतक तो सामने आया। रोहतक दे विच एक मशहूर हलवाई दी दुकान जिसका नाम सीताराम हलवाई है, उसते ताबड़तोड़ गोलियां चलियां, हमलावरां दे वल्लों पर्ची सुट के 1 करोड़ दी फिरौती दी मांग कीती गई है, ते नाल ही जिस गैंग नाल ओ जुड़े हुए ने उसका जिक्र भी कीता होया है। फिलहाल पुलिस भी मौके ते पहुंची है ते आसपास दे सीसीटीवी कैमरियां नु खंगालिया जा रहा है। मैंने जैसे ही शटर खोलिया जी, एक गाड़ी आके रुकी जी, स्कॉर्पियो काली शीशे ते काली गाड़ी थी, वो 2 मिनट खड़ी हुई। मैं भी देखा एक बार, मैंने कहा कोई गाहक होगा या कुछ होगा, मैं फिर 1 सेकंड ही देखा, मैंने नहीं देखा फिर उसकी तरफ। मैं अपना यहाँ पे खड़ा था, इतने में गाड़ी उसने थोड़ी सी बैग ली, जो दूसरा शटर बंद था उस पर राउंड फायर हुए जी 2, और एक पर्ची फेंकी है जी उनने, गले में बांध गए। क्या पर्ची में क्या लिखा हुआ है? पर्ची में मैंने वो दूध वाले ने खोली, मैंने देखा है, उसमें लिखा है 1 करोड़ रुपये का इंतजाम रखना, और नहीं तो दुकान चलाने वाले को मार दिया जाएगा। उसमें नाम भी है किसी का? उस पर नाम था जी अमन बैंसवाल और भाऊ गैंग सिंस 2020 लिखा था जी उस पर। तो क्या पुलिस को सूचना दे दी? हाँ जी सूचना दे दी जी, वो भी उसी टाइम आ गए थे जी तुरंत मौके पे। तो क्या अभी पुलिस सुरक्षा की मांग की है आप लोगों ने? हाँ जी करी है जी पहले। एक मशहूर हलवाई की दुकान से ताबड़ तोड़ गोलियां चलिया ने ते नाल ही पर्ची सुट के फिरौती की मांग की गई है। दरअसल इस हलवाई की दुकान के सामने आके एक काले रंग की स्कॉर्पियो खड़ी हो जाती है, जिसनु हलवाई की दुकान च खड़ा शख्स भी देख रहा हुंदा है। दुकानदार नु लगता है कि शायद कोई गाहक होएगा। स्कॉर्पियो पहला तो सामने खड़ी हुंदी है, फिर अगे चली जाती है अते मुड़ तो बैक करके गोलियां चलानियां शुरू कर दित्तियां जांदियां ने। गनीमत रही कि इस विच किसी दा जानी नुकसान नहीं होया। गोलियां चलाने तो बाद इन हमलावरां दे वल्लों दुकान दे अंदर एक पर्ची सुट्टी जांदी है, जिस दे विच लिखा गया हुंदा है कि 1 करोड़ दा इंतजाम करके रखो। इस पर्ची दे विच नाल ही लिखा हुंदा है कि ओ भाऊ गैंग दे नाल जुड़े हुए ने ते अमन बैंसवाल ग्रुप दे मैंबर ने। यह मामला रोहतक तो सामने आया। रोहतक दे विच एक मशहूर हलवाई दी दुकान जिसका नाम सीताराम हलवाई है, उसते ताबड़तोड़ गोलियां चलियां, हमलावरां दे वल्लों पर्ची सुट के 1 करोड़ दी फिरौती दी मांग कीती गई है, ते नाल ही जिस गैंग नाल ओ जुड़े हुए ने उसका जिक्र भी कीता होया है। फिलहाल पुलिस भी मौके ते पहुंची है ते आसपास दे सीसीटीवी कैमरियां नु खंगालिया जा रहा है।